नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच आज गुरुवार को टक्कर हो रही है। दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड और भारत दोनों ही टीमें जीत की बराबर दावेदार है। 15 साल से टीम इंडिया को एक T20 वर्ल्ड कप की तलाश है। भारत चाहेगा कि अंग्रेजों को मात देकर फाइनल में जगह बना ली जाए और फिर T20 वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म किया जाए। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास पर अगर गौर फरमाए तो अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने, भारतीय टीम के सामने हमेशा घुटने टेके हैं। T20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में इंडिया ने जीत हासिल की है। टीम इंडिया और इंग्लैंड की पहली टक्कर साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में हुई थी। डर्बन में खेले गए उस मैच में भारत 18 रनों से जीता था। इसके बाद 2012 T20 वर्ल्ड कप में दोनों जब भिड़े तो इस बार भारत ने 90 रनों से विशाल जीत दर्ज की। गजब की बात यह है कि दोनों ही बार इंग्लैंड को सिंह सरनेम वाले खिलाड़ियों ने चोट पहुंचाई। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2007 T20 वर्ल्ड कप के मैच में युवराज सिंह ने कमाल कर दिया था। युवराज ने इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उस मैच के बेस्ट प्लेयर युवराज सिंह ही चुने गए थे। अब बात करते हैं साल 2012 में हुए T20 वर्ल्ड कप इंडिया और इंग्लैंड के बीच की। तो साल 2012 में इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप मैच में चोट हरभजन सिंह ने पहुंचाई थी। इस बार भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड टीम सिर्फ 80 रनों पर ऑल आउट हो गई। उस मुकाबले में हरभजन सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। इंग्लैंड को दोनों ही बार सिंह सरनेम के खिलाड़ियों ने धूल चटाई है और इस बार एक और सिंह सरनेम वाले खिलाड़ी भारतीय टीम में है। इस बार भारतीय टीम में सिंह सरनेम वाले खिलाड़ी जो हैं वो अर्शदीप सिंह हैं। अर्शदीप सिंह ने इस टूर्नामेंट में कमाल गेंदबाजी की है। कमाल का उनका प्रदर्शन रहा है। अपने स्विंग के दम पर इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने 5 मैचों में 10 विकेट हासिल किए हैं। अर्शदीप सिंह की बॉलिंग फॉर्म इंग्लैंड पर भारी पड़ सकती है आज, खासतौर पर उनका टॉप ऑर्डर दिक्कत में नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। We'll be right back.